ऑफ सेट, देखो टाइप्स ऑफ सेट, सेट का कितना प्रकार है, टाइप्स ऑफ सेट, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कितना है। तो पहला हमारा होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट क्या होता है, एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। इसको जैसे ए इज फाइव या और इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, जिस सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जैसे मान के चलो हम यहां लिखना चाहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन वन। अब ये बोलो कि लेस देन वन कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि वन से ही शुरू होता है लेस देन वन, तो यहां पर हमको मजबूरन लिखना पड़ेगा, मान लो बी सेट में फाइव, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो वन से छोटा हो, तो एम्प्टी सेट आप समझ गए। एनी प्रॉब्लम? हाँ, अगर ये अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तो देखो दोनों, देखो रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसको, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। बी इज द बी इक्वल टू एक्स इज सच डैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज लेस देन वन। देखो बहुत ऐसा चीज़ है जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसके कारण ये दोनों मेथड को डेवलप किया गया है। और अभी दोनों का यूज करते हुए चलेंगे। एक होता है सिंगल टॉन सेट, सिंगल टन सेट, ठीक है। सिंगल टन सेट में एक ऐसा सेट होता है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे सेट ए में एक ही एलिमेंट है, मान लो ए, ठीक है, एक ही एलिमेंट है। बी में मान लो एक ही एलिमेंट है फाइव। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा उसको सिंगल टन सेट कहेंगे, ठीक है। और आपको एक रोस्टर फॉर्म में भी मैं लिख के दे रहा हूं एग्जांपल्स। मान लो एक सी एक ऐसा सेट है एक्स इज सच डैट एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो एंड एक्स बिलोंग टू जेड, और यहाँ जेड बराबर इंटीजर है। तो ऐसा कोई नंबर सोचो कि इसमें ऐड हम एट में करेंगे जो जीरो होगा। तो आप यहाँ देखो एक्स को माइनस एट से करेंगे, तो ये एक ही नंबर ऐसा है माइनस एट जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके इक्वल टू जीरो करेगा। तो ये भी एक सिंगल टॉन सेट है। गॉट इट? अब इसके बाद हम लोग फाइनाइट सेट पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट, सेट अब ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, चाहे चार हो, पांच हो, छह हो। इसको हम रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर है लेस देन सिक्स। लेस देन सिक्स तो मतलब कितना नंबर तक होगा, वन से लेके फाइव। वेरी गुड। तो इसको फिनाइट सेट इसलिए कहेंगे कि इसको काउंट कर सकते हैं, मतलब इसका एक लिमिटेशन है कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको फिनाइट सेट इसलिए कहते हैं कि जो इसमें एलिमेंट है वो डिफिनिट नंबर है, निश्चित नंबर है, इसी को फिनाइट सेट कहते हैं। अब इसमें एक चीज और हो सकता है कि और भी बहुत सारे सेट तुम सोच सकते हो। जैसे एक हम दूसरा लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, x इज सच डैट x स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। और यहाँ एक चीज और दिया गया है कि x बिलोंग टू इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर का मतलब ही होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अब यहाँ पर कौन सा नंबर 25 कब आएगा, आइदर 5 का स्क्वायर कर दो प्लस 5 का, या माइनस 5 का भी करेंगे तो 25 भी होगा। तो इसको हम फिनाइट सेट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, कौन कौन,
फाइव और माइनस फाइव, गॉट इट। और ये दोनों बिलोंग करता है इंटीजर्स, इंटीजर में दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो होता है, इंटीजर तो अगर पढ़े। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद एक नया चीज़ सीखेंगे, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर सीखना बहुत ज़रूरी है सेट थ्योरी में, तब और आपको आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है ये हम एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं, कोई सेट उड नहीं है, कार्डिनल नंबर आपको सीखना पड़ेगा, कार्डिनल, तभी इन्फिनाइट सेट आप सीख सकोगे, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो देखो कार्डिनल नंबर में क्या होता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फिनाइट सेट इज द कॉल्ड कार्डिनल नंबर। इसी सेट में जो एक हम इस सेट का एक उदाहरण लिए थे, एक से लेके पांच तक गिनती होगा, 1 2 3 4 5, तो इस सेट में क्या होता है, इट इज द सेट माने फिनाइट सेट में आपको, ठीक है, क्या करता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट फिनाइट सेट में होगा उसी को कार्डिनल नंबर कहेंगे। तो इसको डिनोट किया जाता है एन ए यानी नंबर ऑफ ए। तो इसमें कितना है भैया, गिनो तो कितना है, अरे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है, फाइव है, इसी को कार्डिनल हम नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर के मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, कितना एलिमेंट है किसी सेट में, हाउ मेनी एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो फाइव है, इसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। उसके बाद हम सेट थ्योरी में इनफिनाइट सेट पढ़ते हैं, इनफिनाइट सेट। अब इनफिनाइट सेट क्या होता है कि ये ऐसा सेट होता है इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट को ये कंटेन करता है, इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इनडिफिनिट कहें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसका कोई अंत नहीं है, नेचुरल नंबर का अंत है जी, हाँ, सेट ऑफ जैसे एक, तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच डैट एक्स बिलोंग टू एन, कोई इसका अंत नहीं है, या सेट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसका भी कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट सेट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट